सब तो पहला गल करांगे ड्रग्स तस्करी मामले दे विच बर्खास्त पगौड़े एआईजी राजजीत दे नाल जुड़ी वड्डी खबर। एआईजी राजजीत सिंह दी जायदाद जब्त करन दी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजजीत नूं गिरफ्तार करन दे लई वख-वख टीमां दा गठन किया गया। आईजी सुखचैन गिल दा ए बयान सामने आया, कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद राजजीत दे केस दी निगरानी कर रहे ने। राजजीत सिंह नूं जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। एआईजी सुखचैन गिल दा एक मामला सामने आया, जबरन वसूली अते देश विरोधी गतिविधियां दे विच कथित तौर ते शामिल है राजजीत। राजजीत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जदों कि नशे नु लेके तुसीं हर हफ्ते पीसी करदे सी, ओह भी 3 महीने बाद नहीं। वो देखो जी, राजजीत वाला जिहड़ा इशू है उहदे उत्ते बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर उस केस दी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उहदे विच जो जो स्टैप्स देखो टीम्स लगियां हुई हैं उन्हें अरैसट करने वास्ते भी उस पर भी पूरा जोर लग्या होया। एल ओ सी इशू होया हुआ राजजीत का, नॉन अवेलेबल वारंट्स इशूड ने ऑलरेडी और पीओ दियां प्रोसीडिंग्स जिहड़ियां ने वह एज पर लॉ चल रही हैं। प्रॉपर्टी फोर फीचर दियां प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं। सो एज पर लॉ जो जो एक्शन लैण वाला है सारा उहदे विच कीता होया। रेगूलर सी एम साहब मोनीटर कर रहे इस चीज़ नूं और जल्दी तो जल्दी इहदे विच रिजल्ट भी देखण नूं मिलेगा। जैसे खबर ते वधेरे जानकारी देंगे मनोज जोशी जी। मनोज की कहना इस मामले संबंधी हुण बर्खास्त पगौड़े एआईजी राजजीत दी जड़ी प्रॉपर्टी है उस जब्त करन दी प्रक्रिया शुरू कर दिती गई है। जी बिल्कुल, तुसीं बिल्कुल सही कीता है। जो बर्खास्त एआईजी राजजीत सिंह हैगा उन्होंने लेके जिहड़ी पंजाब पुलिस हैगी सीएम भगवंत मान दे निर्देशां तों बाद उन्हां नूं बर्खास्त करन तों बाद पूरी कार्रवाई छुट्टी हुई है। पर सब तो बड़ी गल सवाल यही सीगा उठ रहा कि बार बार की वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है। इन्हों लेके साफ कर दिता गया सीगा कि जिन्हें उन्होंने पकड़ वास्ते गिरफ्तार करने वास्ते जिहड़ी हैगे ने टीमां टीम बनाई गई हैं जिहड़ियां कि उन्होंने लपाल कर रही ने छापेमारी कर रही ने ना ही वो विदेशों चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने जो है एल 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 ओ सी जोड़ा है वो भी जारी किया गया ताकि विदेश ना चले जाए, इतने देश ही रहन। इस जी प्रॉपर्टी सी जो पर लगे कि उन्होंने जी वसूली करते थे बंद फसाना, फिर उसके बाद जोड़ा इंदर भी इंस्पेक्टर की मदद होर बंदे लैके खेतों में फसाने ट्रग के फिर उन्होंने पैसे देने, इस मतलब लेके भी जी जांच करती थी। यह भी आरोप सर जी प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई हैगी है वो भी जी है पुलिस ने पूरी जी रिपोर्ट थी सीटरी वो शामिल थी सारिया प्रॉपर्टी के नाम उन्होंने आधार पर हम पुलिस जी कहते प्रॉपर्टी पूरी कार्रवाई कर रही भी जब्त करने की जी तैयारी हैगी है की गई है। नाल जी राजजीत ने उन्होंने भगौड़ा घोषित करने वास्ते भी जी है कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई है ताकि चारे पासे और राजजीत के उपर प्रेशर बनाया जा सके और ताकि या तो गिरफ्तार हो जाए या उन्होंने जी प्रॉपर्टी हैगी है जी है वो अपना जब्त करना। इस गल इशारा करता कि जी सरकार हैगी है पुलिस सही हैगी जी स्पैशल इन्वैसटीगेशन टीम बनाई गई उसके पूरी शक्ति का काम कर रही है कि चाहे कोई भी बंदा हो चाहे पुलिस का रहने वाला मुलजम हो चाहे किसी बाहर रहे तो सब वास्ते उन्होंने एक है कि तरह का जरा मैसेज बाहर रखा जा रहा और राजजीत उपर प्रेशर लाया जा रहा है कि वो जल्द तो जल्द अपना सेंडर करन या पुलिस के समक्ष पेश हो। इसलिए जी प्रॉपर्टी है वो सीज करने वास्ते तो उन्होंने जब्त करने वास्ते अगली कार्रवाई हुई जी है पुलिस स्पैशल इन्वैसटीगेशन टीम ने शुरू की है। जी मनोज, राजजीत सिंह नू की पहला जड़ा इन्हां नू बुलाया गया सी, क्यों इन्हां दी गिरफ्तारी नहीं हो रही, ए किते बचदे नजर आ रहे ने? जी जो राजजीत सिंह मोहाली दे के सत विच जड़ा एनआरआई लिंक सीगे उत्थे तैनात सीगे जदों सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्होंने इन्हां नू बर्खास्त किया तां उस तों बाद तों ही जिहड़े सीगे उह जिहड़े फरार सीगे अपने उहदे फोन दोनों बंदे सीगे दो फोन सीगे दोनों बंद आ रहे सीगे जिहड़े घर सीगा मोहाली दा उसे भी जी विजिलेंस वाली टीम सी अपनी जी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जी। ठीक है मनोज, तुसी बने रहो साडे नाल, अगली खबर ते भी जरूर जानकारी देवांगे।